हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक लैंड्स। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन शेयर की। तो ये शेयर काफ़ी रेंज से तो मैं नहीं कहूँगा, बट प्रीवियसली काफ़ी गिर चुका है। 30% का इसने लो मारा था, हालांकि अभी ये रिकवर कर दिया है, 20-22% रिकवर करके, और यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में दिखा रहा है। अब इसका थोड़ा प्राइस एक्शन चार्ट अपन डिस्कस करते हैं, क्लियर है। अभी ये शेयर की कीमत 2225 रुपये के आसपास चल रही है, और अगर हम देखा जाए कि शेयर गिर क्यों रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस के थ्रू बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट है। एग्जैक्टली मान के लीजिए यहाँ पर है ही सपोर्ट, ये एग्जैक्ट ये सपोर्ट है, क्लियर है, ये सपोर्ट है। और मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस पहला लिया, यहाँ पर सिमिलर रेजिस्टेंस दूसरा लिया, और जब इसने ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर चला गया था, क्लियर है। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस का टूटना हुआ, क्लियर है, और यहाँ पर रिटेस्ट किया, देन एग्जैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा डबल ऊपर उसने डबल टॉप बनाया और उसका ब्रेकआउट दे करके एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, क्लियर है। ये रेजिस्टेंस था पहले, और यही रेजिस्टेंस अब जा करके यहाँ पर सपोर्ट बन गया। क्या ये आपको बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब सपोर्ट बना, थोड़ा सा एकदम देखिए आप, एकदम हायर मूव आया, और जैसे ही मार्केट कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से जैसे ही टूटा, विद इन 2-3 डेज यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे करके ऊपर का फिर से यहाँ पर ये जर्नी कंटिन्यू कर दी। तो मैं आपको बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी आप बात समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला जो लेवल है, यानी कि आप मान के चलिए कि 2100 से लेकर के 2150 का लेवल, क्या आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं। तो ये लेवल मैं आप कह सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर बाई करने के लिए, या आपको अगर एक्यूमुलेट करना है तो इस शेयर को आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल पर फंस रखे, यहाँ कहीं पर आपने थोड़ा हाई पर ले लिया था ये फोमो की वजह से, तो आप यहाँ पर थोड़ा एवरेज डाउन कर सकते हैं। क्या आपको भी मेरी बात क्लियर हो रही है। सो यहाँ पर आपको लेना कब है, मैं उसका आपको थोड़ी देर से जस्ट बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर लेना है तो एग्जैक्ट आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट, या ये देखिए एग्जैक्टली ये है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, आप ट्रेंड लाइन कह लीजिए इसको, ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट कर रही है। और यहाँ पर जैसे ही इसने ऊपर को तोड़ा और इसको सस्टेन कर रहा है, तो क्या आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ शॉर्ट में, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट ये एक पैटर्न है, ये बॉक्स बनाया है यहाँ पर, और बॉक्स बना करके ही ट्रेड कर रहा है। ये बात क्लियर है आपको, ये एक बॉक्स बना हुआ और इसी बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकआउट आता है एक अच्छी कैंडल से, तो आपको कंसिडर कर लेना है बाई के लिए, क्लियर है, या आप बाई सिग्नल मानिए। और आपको टारगेट मैं अभी जस्ट बता देता हूँ, यहाँ आपका बाई रहेगा, और अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा ले सकते हैं तो इस बॉक्स के जो लो होगा, यानी कि 2200 रुपये का जो स्टॉप लॉस आप लेके चलिएगा, और जैसे ये तोड़ता है ब्रेक करता है, यानी कि 2250 का लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप इसको बाई के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एक घंटे की स्ट्रॉन्ग कैंडल आप यहाँ पर बनना चाहिए, क्लियर है। और घबराइए नहीं, देखिए मैं यहाँ पर आपका एवरेजिंग करा देता हूँ, यहाँ एवरेज करेंगे जैसे ही आप ऊपर निकल सकते। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है तो बिंदास आप होल्ड करिए। देखिए मैं आप अगर उसका बात करता हूँ टारगेट की, तो टारगेट आपको क्या निकल गया था, आप खुद ही लॉजिकल एक आंसर दे दीजिएगा। टारगेट पहला जो निकल के आता है यही निकल के आता है, यही टारगेट वन है, क्लियर है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट ले लेना है, भले ही आप 50% क्वांटिटी एग्जिट करिएगा, बट करिएगा ज़रूर। और जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है ऊपर को, आपने ये टारगेट लिया, एग्जैक्ट इस टारगेट पे अगर यहाँ पर एक और ब्रेकआउट दे देता ना ट्रेंड लाइन का, तो आप ये बिलीव करिएगा कि एग्जैक्ट इसका 2800 का जो लेवल है, ये पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है। तो 2800 के टारगेट पे आप बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है जो, वो ट्रेल कर करके 2800 का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो डैट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। सो डैट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड, सी या हैव अ गुड डे, थैंक यू।